और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हाँ दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि अमर सिंह राठौड़ को नागौर दे दिया गया था और उनके छोटे भाई जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया गया था। अब जसवंत सिंह जी के सामने समस्या ये थी कि शाहजहाँ जब दिल्ली के अंदर बादशाह थे, उनका बेटा औरंगजेब और मुराद ने उनके खिलाफ़ बगावत करनी शुरू कर दी थी, अर्थात वो दिल्ली के बादशाह बनना चाहते थे। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए जसवंत सिंह जी को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जसवंत सिंह जी शाहजहाँ के मनसबदार थे। अब जसवंत सिंह जी को शाही सेना दे करके औरंगजेब को रोकने के लिए भेजा गया और इतिहास के अंदर इस लड़ाई को धर्मत के नाम से जाना जाता है। दोनों शाही सेनाएँ उज्जैन के पास पहुँच गई, पर अकेले उस बड़ी सेना का सामना करना आसान कार्य न था। इसी बीच उसके पास औरंगजेब के चिकने चुपड़े पत्र भी आए, जिसमें उन्हें अपनी साधुता दिखलाते हुए मुराद बख्श को पूरी पूरी सहायता पहुंचाने का वादा किया। उनको पाकर मुराद बख्श अपने भाई की तरफ जम गया और अपनी सेना सहित औरंगजेब से जा मिला। पहला झटका जसवंत सिंह जी को यहाँ लग गया। उसके बाद में बताया जाता है कि सेनापति कासिम भी औरंगजेब की तरफ जाकर के मिल गया। जसवंत सिंह वहाँ अकेले पड़ गए और पता चला कि जसवंत सिंह को दोनों भाइयों की सेना के आगमन का पता चला जब उज्जैन से 7 कोस की दूरी पर आ पहुंची। मांडू के राजा शिवराज ने अकबरपुर के किले के अंदर उनकी खबर महाराजा के पास भेजी। कासिम का शहजादे मुराद के अहमदाबाद छोड़ने की खबर पाकर उधर गए थे, पर जब उनको औरंगजेब से मिल जाने का समाचार मिला तो निराश होकर लौट आए। इसी बीच धार में रखे हुए दारा सिकोह के आदमी दोनों शहजादों को रोकने में असमर्थ पाकर भाग गए, महाराजा की सेना में शामिल हो गए। कासिम खां के साथ जसवंत सिंह ने आगे बढ़कर शहजादे औरंगजेब की सेना से 1.5 कोस की दूरी पर डेरा किया। दोनों विपक्षी सेनाएं धर्मत नामक के स्थान पर मिली और 1658 के अंदर दोनों सेनाओं के अंदर युद्ध हुआ, जिसे धर्मत का युद्ध कहा गया। दोनों तरफ काफ़ी विशाल योद्धा थे और सेना बड़ी थी। महाराजा जसवंत सिंह के साथ शाही सेना के अरावल में फौज के अफसर कासिम खां था। उसके साथ मुकुंद सिंह हाड़ा, सुजान सिंह बुंदेला, अमर सिंह चंद्रावत, राजा रतन सिंह राठौड़, रतलाम, अर्जुन गोड़, दयालदास झाला, मोहन सिंह राठौड़ आदि लोग उसके खेमे में थे। युद्ध शुरू होने पर औरंगजेब ने अपना तोपखाना नदी के किनारे रखकर दूसरी फौज को तोपखाने की सहायता से नदी उतरने की आज्ञा दी। ऐसा ही किया गया, परंतु बादशाही फौज के तोपखाने ने इस फौज का आगे बढ़ना रोक दिया। इस लड़ाई में कासिम खां की फौज के मुकुंद सिंह हाड़ा, राजा रतन सिंह राठौड़, दयालदास झाला, अर्जुन गोड़ आदि राजपूतों ने आगे बढ़कर औरंगजेब के तोपखाने पर आक्रमण किया, उसके कितने ही अफसरों को जख्मी कर दिया। जसवंत सिंह की शाही फौज के राजपूत सरदारों ने आगे बढ़कर औरंगजेब के हरावल पर हमला किया। पीछे से दूसरे राजपूत भी उसकी सहायता को पहुंच गए। ये लड़ाई बड़ी भयंकर हुई। औरंगजेब के पुत्रों आदि ने भी अपनी सेना के साथ दाहिने बाईने राजपूतों पर आक्रमण किया। स्वयं औरंगजेब ने भी सैनिकों के साथ प्रबल वेग से हमला किया। इसका परिणाम हुआ कि जसवंत सिंह की फौज के मुकुंद सिंह हाड़ा, सुजान सिंह सिसोदिया, अर्जुन गोड़ आदि, दयालदास झाला आदि राजपूतों सहित औरंगजेब की सेना के बहुत से आदमी मारे गए। शत्रुदल की शक्ति बढ़ती हुई देखकर राजा राय सिंह सिसोदिया, सुजान सिंह बुंदेला, अमर सिंह चंद्रावत अपने साथियों सहित भाग निकले। शहजादा मुराद लड़ता हुआ जसवंत सिंह के डेरों के पीछे जा पहुँचा, जहाँ पर नियुक्त मालू व परसु आदि रक्षकों से कुछ समय तक सामना किया, पर अंत में जान बचाकर उसे भी भागना पड़ा। औरंगजेब और मुराद की सेना ने चारों तरफ से घेर कर शाही सेना पर हमला किया। शाही सेना के बहुत से सरदार पहले ही मारे जा चुके थे, अब अधिकांश भाग निकले, जिससे जसवंत सिंह के राजपूतों को शत्रु सेना का मुकाबला अकेले करना पड़ा। जोधपुर राज्य की ख्यात में मिलता है कि कासिम खां पहले ही औरंगजेब से मिलकर भाग गया था। बचे हुए राजपूतों के साथ जसवंत सिंह वीरतापूर्वक लड़ता हुआ औरंगजेब के पास तक पहुँच गया था, पर इसी बीच वह स्वयं भी घायल हो गया और उसका घोड़ा भी आहत होकर गिर पड़ा। तब वह दूसरे घोड़े पर सवार होने लगा, पर शहजादों की शक्ति अधिक होने से शाही सेना के पैर उखड़ गए। ऐसी परिस्थिति देखकर जसवंत सिंह के साथ के राजपूत बलपूर्वक उसके घोड़े की बाग पकड़ करके उसको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल लाए और इस लड़ाई के अंदर शाही सेना के हजारों वीर राजपूत मारे गए। इसके बारे में बर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री था वो लिखता है, जसवंत सिंह ने इस लड़ाई के अंदर अद्भुत वीरता का परिचय दिया, पर कासिम खां ने यद्यपि अपनी ख्याति के अनुरूप वीरता, परंतु उसने कोई रणकौशल का परिचय नहीं दिया। मनुकी लिखता है कि औरंगजेब की सेना के नदी के दूसरी ओर पहुंचते महाराजा के साथ के लोगों ने उसे युद्ध क्षेत्र से हटकर जाने के लिए कहा, क्योंकि वह जीवित रहकर फिर लड़ाई में भाग ले सकता था। इस प्रकार महाराजा जसवंत सिंह जी ये युद्ध हार गए और उसके बाद महाराजा 4-5 दिन वहाँ रुक कर वापस जोधपुर पहुँचे।
इतिहास के अगर ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।